पता नहीं इतने ढोंग कैसे रचाते हैं जनाब, समझ नहीं आता इतने ढोंग कैसे रचाते हैं। 2 करोड़ के लोग 98 रुपए के नखरे दिखाते हैं। इतने लफड़ों के बाद भी चेहरे पे स्माइल चेक कर अजी, इतने लफड़े के बाद भी चेहरे पे स्माइल चेक कर और तरक्की का अंदाजा हो जाएगा, जाके अपने बाप की प्रोफाइल चेक कर। पबजी वाली आईडी का तो सत्यानाश हो गया, कभी आओ बैटल ग्राउंड में, तुम्हारी आरती उतारेंगे और कैंपर सारे कान खोल कर सुन ले, इस बार घर में बैठे दिख गए ना तो घर से बाहर घसीट कर निकालेंगे और फिर मारेंगे। चलो मान लिया हम फ्री फायर वाले नूब हैं, तो हमें खेलना मत सिखा कि चलो मान लिया हम फ्री फायर वाले नूब हैं तो हमें खेलना मत सिखा, वरना जिस दिन VGMI में घुस गए ना बेटा तो सांप बन के डस लेंगे अगर तू खुले में दिखा। हमसे मिलने आओ तो अपने कलेजे की आग को ठंडा करके आना, वरना हम तो 100 नंबर की गाड़ी में बैठ कर जाएंगे लेकिन तुम 108 में लेट कर जाओ। कि अरे सकल से दिखते है तो बड़े अच्छे खूब हो, कि अरे जनाब सकल से दिखते है तो बड़े अच्छे खूब हो, मुझे लगता है कि तुम 1 नंबर का नूब हो। पबजी के खतरनाक प्रो प्लेयर बोट मार के खुद को हाई फाई बताते हैं और एक रियल बंदा आने पर पिंग हाई बताते हैं। अरे हमें फ्री फायर ने बर्बाद किया, पबजी में कहां दम था। कि अरे हमें फ्री फायर ने बर्बाद किया, पबजी में कहां दम था, हम भी एक से एक बढ़ के गेम खेल सकते थे लेकिन हमें गुइया का शौक था। पबजी बैन होने पर फ्री फायर वाले चाचा बोल रहे आजो फ्री फायर खेलते, बेटा वो कोई लड़की नहीं है, जो एक बार छोड़ के चली गई तो हम दूसरी पकड़ लेंगे, सच्चे दिल से चाहते इसलिए बेटा वो वापस आए। बेटा पबजी वापस आएगा नहीं जा चुका है, कि बेटा पबजी वापस आएगा नहीं जा चुका है, अब फ्री फायर का नाम टॉप 1 पे आ चुका है, अब ये पागलपंती करना छोड़ दो और चुपचाप से अपना रास्ता फ्री फायर की ओर मोड़ लो। अब ये मजा आएगा ना। पबजी खेलने वाले लड़कों की कहानी, बेटे शादी कर ले तेरी उम्र हो गई है। मम्मी मुझसे शादी वादी की बात मत क्या करो, मुझे नहीं करनी। अगले दिन एक आंटी घर से निकल कर गई तो इसकी मम्मी कुछ बड़बड़ा रही थी, पूरा दिन फोन में लगी रहती है, ऐसे ऐसे रिश्ते लेके आते हैं। तो लड़के ने पूछा मम्मी क्या हो गया। कुछ नहीं, तेरी पड़ोसन ने एक रिश्ता लाई थी, लड़की पूरा दिन फोन में लगी रहती है। मम्मी आजकल की लड़कियां ऐसी होती फोन में लगी रहती है, बहुत बेकार होगी वो लड़की। हाँ बेटे मैं तो कह रही थी तेरी तरह पूरे दिन पबजी खेलती है। मम्मी शादी के कार्ड छपवा दो। अरे बेईमानी का शौक नहीं है, वरना कर तो हम भी सकते हैं, पर हम तो चलते फिरतों का दिल ठगते हैं, और जो हमें आजकल के बच्चे बोल रहे हैं ना, इनको कौन बताए कि रिश्ते में तो हम इनके बाप लगते हैं।